ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। आप सबको पता है कि सावन का बहुत ही पवित्र महीना चल रहा है और आ गया है सावन के अधिक मास का चौथा सोमवार, जो कि इस पर्व को, इस दिन को बहुत विशेष और बहुत खास बनाता है ना। अगर आप किसी भी कामना के लिए बहुत दिनों से परेशान हैं, सब कुछ कर लिया लेकिन फिर भी बिल्कुल भी फ़ायदा नहीं मिल रहा है ना, तो ये वीडियो आपके लिए है। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से बताऊँगा। बस चंदन की 7 बिंदी आपको लगानी होगी और दुर्वा का इस्तेमाल करना है, आपकी सारी विशेष पूरी होंगी, सारी इच्छाएं पूरी जरूर होंगी। उससे पहले आपको बता दूं, इस पूरी वीडियो में हम लोग 4 बहुत ही प्यारे से उपाय की बात करेंगे, जो कि सोमवार के दिन आपको जरूर करना चाहिए, ठीक है। चलो समझते हैं इस उपाय को। सबसे पहला जो उपाय है वो आपको बताना चाहता हूं कि आपको चंदन की 7 बिंदी लगानी है। उसके लिए आपको लेना होगा इस तरीके से पीला चंदन। मार्केट में ईजिली आपको अवेलेबल मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई इशू नहीं है। मेरे बहुत से भाई बहन परेशान है, भैया हमारे पास अष्टगंध है, तो कोई दिक्कत नहीं, आप अष्टगंध भी ले सकते हैं, ठीक है। ले लिया, इसको छोटी सी कटोरी में लेना और इसको लेकर के आप थोड़ा सा पानी डाल के इसको थोड़ी देर तक घिस लेना, अच्छे तरीके से घिसना, ठीक है। घिसने के बाद लेके पहुंच जाना महादेव के शिवलिंग के पास। सुबह जाना चाहो सुबह जाओ, शाम को जाना चाहो शाम को जाओ। यहां पर मैं आपको 7 जगह बताऊंगा। कितनी जगह? 7 जगह पे आपको चंदन की 7 बिंदी को लगाना होगा, समझिएगा मेरी बात को। जो पीला चंदन आप लेकर के आए हो, जल वगैरह पूजन पाठ जो कुछ भी करना होगा पहले आप कर लेना। सबसे एंड में क्या करोगे, सबसे पहली बिंदी आपको लगानी होगी भोले शंकर के शिवलिंग के ठीक ऊपर, ठीक है। जो कैसे मैं लगा रहा हूँ, इसी तरीके से पहली बिंदी लगाओगे। दूसरी बिंदी जो भगवान शंकर के सबसे प्रिय पुत्र हैं भगवान गणेश, इनका स्थान शिवलिंग पे राइट साइड होता है, तो दूसरी बिंदी आपको भगवान गणेश के स्थान पे लगानी है। तीसरी बिंदी आपको लगानी होगी भगवान कार्तिक के स्थान पे, जो कि शिवलिंग का जो लेफ्ट भाग होता है वह है भगवान कार्तिकेय का स्थान। जो चौथी बिंदी आप लगाओगे भोले शंकर की, जो सबसे प्रिय पुत्री हैं, सबसे छोटी पुत्री हैं, जिनका नाम है माता अशोक सुंदरी, उनकी जगह पे आपको लगानी होगी चंदन की चौथी बिंदी, ठीक है। जो पांचवी बिंदी आप लगाओगे ना, वो आपको लगाना होगा ये जो माता का हस्त कमल है, जहां पर शिवलिंग विराजमान होते हैं, पांचवी बिंदी यहां पे लगाओगे, ठीक है। जो छठवीं बिंदी लगाते हैं, जब हम जल समर्पित करते हैं, ऐसे समझाता हूं आपको, वेट थोड़ा कलर चेंज करके, जब हम जल समर्पित करते हैं तो जल बहता हुआ जलाधारी से नीचे गिरता है। अरे गिरता है कि नहीं गिरता है, तो बिल्कुल यहाँ पे एंड पॉइंट पे जहाँ से जल गिरने ही वाला होता है, उस जगह पे आपको क्या करना होता है, चंदन की कौन सी बिंदी लगाओगे, छठवीं बिंदी आपको यहाँ पे लगानी है, ठीक है। सातवीं बिंदी कहाँ पे लगानी होगी, एक मिनट, 5, 6, 7वीं बिंदी जो आप लगाओगे उस शिवलिंग के ठीक यहाँ पर पीछे लगाओगे, इस जगह पे 7वीं बिंदी लगाओगे। इस तरीके से आपको चंदन की 7 बिंदी महादेव के शिवलिंग के ऊपर लगानी है, करके देख लीजिएगा, सारी विशेष सारी इच्छाएँ आपकी पूरी ज़रूर होंगी, ठीक है। बात आई समझ में? तो यहाँ पर देखते हैं आपकी फेसबुक से नोटिफिकेशन आ रहा है, वो इसलिए आ रहा है क्योंकि मैं आ गया हूँ फेसबुक पे भी, तो आप मुझे सर्च कर सकते हैं द नेचुरल प्लैनेट 108 फेसबुक पे, वहां पर भी मैं आपसे बातें किया करूंगा, ठीक है। चलो पहले उपाय की बात हो गई है, आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ। कहो कि भैया दूसरा उपाय किन के लिए है, देखो आप लोगों में से अगर किसी की भी घर में ना बहुत ज्यादा लड़ाई होता है, छोटी छोटी बातों को लेकर ना घर में बहुत क्लेश मचता है, आपस में ही लड़ते भिड़ते रहते हो, तो इस काम को करेंगे। फिर से हमें ज़रूरत होगी इस तरीके से लाल चंदन की, मार्केट में इजीली अवेलेबल है, अष्टगंध हो तो अष्टगंध भी ले सकते हो, ठीक है। सेम प्रोसेस करना है आपको, एक छोटी सी कटोरी लेनी है, इसमें पीला चंदन डालना है, थोड़ा सा पानी डाल के इसको अच्छे तरीके से घिसना, ठीक है। घिस दिया, इस कटोरी को लेके साथ ही साथ लेना होगा दुर्वा। कहोगे भैया दुर्वा कितनी लेंगे, तो बहुत ज़्यादा नहीं लेने हैं, 5 से 7 दुर्वा गिन करके, कितनी दुर्वा, 5 से 7 दुर्वा लेना। और उसके बाद एक छोटा सा इस तरीके से लेना होगा तांबे का लोटा। तांबे के लोटे में जल कहाँ से भरोगे, हमेशा बताता हूँ, अपने घर से जल को भरना। जल को भरने के बाद क्या करेंगे, लेके पहुँच जाओगे महादेव के शिवलिंग के पास। सुबह जाना चाहो सुबह जाओ, शाम को जाना चाहो शाम को भी जा सकते हैं ना। देखो हम सबको पता है कि माता अशोक सुंदरी का जो स्थान है शिवलिंग पे, वो यही है, ठीक है, जहाँ पर मैं रेड कलर से पेंट कर रहा हूँ, यही तो होता है। तो आपके पास में जो पीला चंदन है ना, उसको आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पे आपको अच्छे तरीके से लगाना होगा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान करते हुए, ठीक है। लगा दिया, अब आपके पास में क्या है, आपके पास में 5 या फिर 7 क्या है, दुर्वा है। उस दुर्वा को आपको इसी चंदन के जहाँ पर पीला चंदन लगाया ना, उसी पीले चंदन के ठीक ऊपर रखना। दुर्वा की डंडी होगी बाहर की तरफ और पत्ती का मुख होगा महादेव की तरफ,
ठीक है, समर्पित कर देना। समर्पित करने के बाद एक लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करोगे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान करते हुए जल चढ़ाओगे। जल बहता हुआ जलाधारी से इसी चंदन और दूर्वा से होता हुआ नीचे गिरने लगेगा, ठीक है, गिरेगा कि नहीं गिरेगा, जितना जल रोक सकते हो उतना जल इस कलश में रोक लेना, ठीक है। रोकने के बाद क्या करेंगे, जो दूर्वा आपने चढ़ा रखी है उस दूर्वा को भी उठाएंगे और इसी कलश के अंदर दूर्वा को डाल देंगे, अरे डाल दिया, उसके बाद लेकर के इस कलश को चले जाएंगे अपने घर पे, ठीक है। और उसी दूर्वा से उस चंदन वाली पानी का जितना भी जल है थोड़ा थोड़ा करके जितने भी कमरे होंगे, जितने भी दरवाजे होंगे, जितने भी रूम्स होंगे आपके घर में, उन सभी कमरों में छिड़क देना श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान करते हुए, वॉशरूम को छोड़ करके सभी जगहों पर हर जगह छीट देना। जितना भी जल उसके बाद आपके कलश में बचेगा उसको किसी पेड़ वगैरह के नीचे दूर्वा उर्वा के साथ वहीं पे आप डाल देना, ठीक है। जो भी व्यक्ति किसी विशेष दिन, सोमवार का दिन पड़ गया, प्रदोष का दिन पड़ जाए, एकादशी का दिन पड़ जाए, ये विशेष उपाय कर लेता है, उसके घर में कभी भी लड़ाइयाँ नहीं होती, हमेशा प्रेम सद्भावना बना रहता है, ठीक है, समझ में आई क्या बात। चलो दो उपाय की बात हो गई है, आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में हम लोग अपने तीसरे उपाय जो कि बहुत प्यारा है, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा काम, और वो है वीडियो को करिए लाइक। जितने भी भाई बहन मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं, अचानक से चैनल पर आ गए ना, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है। अब ये जो तीसरा उपाय है ना, ये है आपको कोई भी ऐसे विश है उसको पूरा करने के लिए बहुत परफेक्ट है। ये वही उपाय है जिस उपाय में हम महादेव के शिवलिंग के ऊपर जल को नहीं चढ़ाते, बहुत ही सुंदर सा उपाय है, समझिएगा। स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा तांबे का लोटा, तांबे के लोटे में कहाँ से जल भरोगे, अपने घर से भर दिया जल, लेके पहुँच गए महादेव के शिवलिंग के पास। सुबह जाना चाहो सुबह जाओ, शाम को जाना चाहो शाम को जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, कोई इशू नहीं, ठीक है। पहुँचे, फेस रखना उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन, पहुँच गए। अब देखो हम सबको पता है ना कि महादेव का पूरा परिवार शिवलिंग पे विराजमान है। जो बताने जा रहा हूँ मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, जो आपके पास में एक तांबे का लोटा है जिसमें आपने जल भर लिया है अपने घर से, उसमें से थोड़ा सा जल सबसे पहले चढ़ाओगे भगवान गणेश के स्थान पे, थोड़ा सा जल, पहला जल हल्का सा चढ़ा देना। दूसरा आपको समर्पित करना होगा उस जल को भगवान कार्तिकेय के स्थान पे, ठीक है, दूसरा जल चढ़ा दिया। अब देखो दो लोटा में जल नहीं बोल रहा हूँ, उसी कलश से थोड़ा थोड़ा जल चढ़ाओगे, थोड़ा सा भगवान गणेश के स्थान पे, थोड़ा सा भगवान कार्तिकेय के स्थान पे। अब उसी कलश में से थोड़ा सा जल कहाँ चढ़ाओगे, माता अशोक सुंदरी के स्थान पे थोड़ा सा जल चढ़ा देना। तीन जगह जल चढ़ा दिया, जो चौथी जगह जल चढ़ाओगे ये जो स्थान आपको दिखता है ये है माता का हस्तकमल, माँ पार्वती माँ जगत जननी जगदम्बा का हस्तकमल, ठीक है। तो यहाँ पर आपको चौथा जल चढ़ाना होगा उसी कलश से थोड़ा सा। अब जो बाकी का बचा हुआ जल आपके कलश में है वो महादेव के शिवलिंग के ऊपर नहीं चढ़ाना है इस उपाय में, क्योंकि भैया फिर कहाँ चढ़ाएंगे। तो जितना भी बचा हुआ जल है उसको लेके जाएंगे बेल पेड़ के नीचे और उस बाकी के बचे हुए जल को महादेव का कोई सा भी मंत्र बोल करके, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम, नमः शिवाय, ओम, कोई भी मंत्र बोल करके अपनी मनोकामना कहते हुए बेल पेड़ के नीचे बचा हुआ जल जो भी व्यक्ति समर्पित करता है उसकी विशेष बहुत जल्दी पूरी होती है, क्योंकि बचा हुआ जल आप बेल पेड़ के नीचे समर्पित कर रहे हैं, माता पार्वती को खुश कर रहे हैं। तो अगर आप माँ पार्वती को खुश कर रहे हैं तो उससे तो महादेव बहुत खुश होते हैं, ठीक है। तो इस उपाय को करिएगा, अपनी कोई भी विशेष को, अपनी कोई भी इच्छा को बहुत जल्दी, बहुत ही ज़्यादा जल्दी पूरी करने के लिए, ठीक है, समझ में ही बात। चलो तो तीन उपाय की तो बात हो गई है, आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में हम लोग अपने चौथे उपाय जो कि बहुत ही प्यारा सा उपाय है। ये यहाँ पर स्क्रीन पर आपको एक महादेव का मंदिर दिख रहा है, ये कौन सा मंदिर है नीचे कॉमेंट सेक्शन में सभी को बताना होगा, ठीक है, मैं नहीं बता रहा हूँ, आपको नीचे कॉमेंट में ज़रूर लिखना है। चलो अब बताते हैं इस उपाय के बेनिफिट क्या है। अगर आपके घर में कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा बीमार है ना, हमेशा बीमार रहता है, मतलब कोई उसको मेडिसिन काम करती नहीं है, तो इस काम को करेंगे, क्या करेंगे। देखो आपके घर के आसपास कोई भी महादेव का मंदिर हो, चाहे वो छोटा मंदिर हो, चाहे वो बड़ा मंदिर हो, चाहे कैसा भी मंदिर हो, जितने भी बजे सुबह महादेव का आपके घर के आसपास वाला जो मंदिर है वो खुलता है, तो खुलते ही सबसे पहला जल अगर महादेव के शिवलिंग के ऊपर आप चढ़ा देते हैं तांबे के लोटे से, तो आपके घर की सारी बीमारियाँ दूर होती। लेकिन वो जल, पहला जल आपका ही चढ़ना चाहिए महादेव के शिवलिंग के ऊपर, ऐसा नहीं कि पंडित जी ने चढ़ा दिया इन्होंने, ना, पहला जल आपको ही चढ़ाना चाहिए। कोई छोटा सा मंदिर हो वहां चले जाओ, बड़ा मंदिर कहीं पर भी हो, लेकिन पहला जल अगर आपने समर्पित कर दिया ना इस चौथे सोमवार के दिन, तो यकीन मानिए कोई व्यक्ति आपके घर में बीमार होगा ही नहीं। अगर बीमारी चल रही है तो वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगी, ठीक है, बात आई समझ में। तो इस काम को जरूर करना कोशिश की। इस पूरी वीडियो में मैंने आप सभी को चार उपाय बताए हैं, कोई भी उपाय आपको सबसे अच्छा लगता हो, सबसे प्यारा लगता हो, अपने घर के अकॉर्डिंग कर लेना, कोशिश की अच्छा समझाने की। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, कुछ पूछना हो नहीं समझ में आया नीचे कॉमेंट में पूछें, और जितने भी
भाई बहन मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।